साथियों, हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की मैं भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, अमृता हॉस्पिटल का यह प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा, आदर्श बन के उभरेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे, कई संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप की वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग, हर संस्था, हर सेक्टर के प्रयास का नतीजा होता है, ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। इसमें भी जो स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप रही है, आज उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी, लेकिन जब समाज के धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अन्य देशों को देखने को मिला। आज सबका प्रयास की यही भावना है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला पाया है।